नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है EY फैमिली क्लासेस पर। दोस्तों, हमारी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं हम। जो हमारी सीरीज चल रही थी राजस्थान जीके की, वनपाल वन रक्षक CET एग्जाम और राजस्थान के जितने भी एग्जाम हैं उनसे संबंधित, उनके लिए जो प्रीवियस एग्जाम का जो टेस्ट हमारा चल रहा था उसको, सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम राजस्थान के संत एवं संप्रदाय से संबंधित जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके क्वेश्चन मैं आपके लिए इस वीडियो में कराने वाला हूँ, जो कि राजस्थान कला एवं साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि वनपाल वन रक्षक के एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुके हैं। जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लें अपना एडमिट कार्ड ऑफिशियल साइट पर जा करके, और अपना देख लें कि आपका जो एग्ज़ाम है वो किस डेट किस जगह पर आया, उस स्थान का आपको पता चल सके। राजस्थान जीके का पहला प्रश्न है, संत एवं संप्रदाय से सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो विद्यार्थी पुराने हैं उस सेशन को जितना उसके शेयर कर दें, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपके चैनल पर आपके लिए मिलती रहेगी, और एग्जाम सबमिट अपडेट भी आपके लिए इस पर मिलती रहती है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे सुनेंगे। क्वेश्चन है, बेनेश्वर धाम की स्थापना किस संत ने करवाई थी? जो बेनेश्वर धाम है उसकी स्थापना किस संत के द्वारा करवाई गई थी? ऑप्शन है दादूजी, संत पीपा, रजबब जी और माप जी। इसका जो सही जवाब होगा आपका डी ऑप्शन आपका होगा, माप जी के द्वारा इसमें बेनेश्वर धाम की स्थापना करवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, संत माप जी की वाणी जिसे उपदेश के नाम से क्या कहलाती है? जो संत माप जी की वाणी है वह क्या कहलाती है आपको बताना है, भाषण, चोपड़ा, ज्ञान या बीजक। जो संत माप जी की जो वाणी है वह आपकी चोपड़ा कहलाती है। बी आपका सही जवाब आपका सही होगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राजस्थान की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त मीरा का जन्म का नाम क्या था? जो राजस्थान की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त मीरा का जन्म का नाम क्या था? ऑप्शन है प्रेम देवी, मूबल, प्राची देवी या पेमल। तो इसका जो सही आपका जवाब होगा पेमल आपका सही हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है, डी आपका इसमें सही हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, लोक संत जाम्बो जी ने किस देवता के नाम स्मरण करने के पर जोर दिया है? जो लोक संत जाम्बो जी हैं उन्होंने किस देवता के नाम स्मरण करने पर जोर दिया है ये आपको बताना है, राम, विष्णु, कृष्ण या उपयुक्त सभी इनमें से। तो इसका सही जवाब आपका होगा विष्णु पर आपका, बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आपका हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, विष्णु संप्रदाय आपने नाम सुना होगा, विष्णु संप्रदाय के लोग किस पशु को पालना पसंद नहीं करते हैं? ऑप्शन आपसे पूछे गए हैं, किस पशु को पालना नहीं पसंद करते हैं जो विष्णु संप्रदाय के लोग हैं, ऊंट, भैंस, भेड़ या घोड़ा। तो इसका सही जवाब होगा आपको भेड़ को पालना पसंद नहीं करते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऊंट, भैंस और घोड़ा इन सभी को ही पालना पसंद करते हैं, भेड़ को नहीं करते हैं। तो आपसे नेगेटिव क्वेश्चन पूछे गए तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, विष्णु धर्म के संस्थापक कौन थे? विष्णु धर्म है उसके संस्थापक का आपको नाम पूछा है, ऑप्शन है आपके सामने चार, भक्त, रैदास, बाबा रामदेव, बाबूजी या जाम्बूजी। अब देखिए बाबा रामदेव तो हो नहीं सकते, अब आप बचे हैं भक्त, रैदास, बाबूजी और जाम्बूजी, इनमें से आपको बताना है। तो इसमें आपका जो जाम्बूजी है वो आपका इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा, जो आपको करेक्ट आंसर आपका होगा। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है आपका, नाथ द्वार मंदिर में स्थित श्री नाथ जी की मूर्ति कहाँ से लाई गई थी? जो नाथ द्वार मंदिर है उसमें स्थित जो श्री नाथ जी की मूर्ति है वह कहाँ से लाई गई थी? ऑप्शन है कोलकाता से, वाराणसी से, वृंदावन से या गया से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका होगा, जो नाथ द्वार मंदिर में जो श्रीनाथ जी की मूर्ति है वह आपके वृंदावन से लाई गई थी, वृंदावन सी ऑप्शन जो उत्तर प्रदेश में है, सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, दादूजी के किस शिष्य ने अपनी रचना भक्तमाल में दादू के 52 शिष्यों का नामोल्लेख किया है? दादू जी के किस शिष्य ने अपनी रचना भक्तमाल में दादू के 52 शिष्यों का नाम उल्लेखित किया है? ऑप्शन चार है आपके, इसमें आपका जो सही जवाब आपका होगा वो बताना है। तो इसका मैं आपको बता दूँ, सही जवाब इसका होगा राधु दास जी हैं वो इसका सही उन्होंने नाम उल्लेख किया है, तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, राधु दास जी। नौवां प्रश्न है, दादू पंत के 52 स्तंभ जिन्हें किन्हें या किसे कहा जाता है? दादू पंत जी हैं उनके 52 स्तंभ किन्हें या किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने चार हैं, इनमें से आपको बताना है। इसमें जो आपका सही जवाब आपका होगा, दादू पंत के 52 स्तंभ हैं वो 52 शिष्यों को कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, दादू जी के 52 शिष्यों को इसमें कहा जाएगा। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन का आपका जो सही जवाब होगा, बी ऑप्शन आपका इसमें सही आपका हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 10वां, संत धन्ना जी ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग क्या मानते हैं? तो संत धन्ना जी हैं वो ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग है, वो क्या मानते हैं? ऑप्शन है 4। तो संत धन्ना जी की जब बात करें तो इन्होंने भक्ति को ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताया है, तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, भक्ति आपका इसमें करेक्ट होगा। 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन से संत जाति से रैगर थे, वे जूते सिलने का व्यवसाय करते थे? निम्न में से कौन से संत जाति से रैगर थे, वे जूते सिलने का व्यवसाय करते थे? संत पीपा, संत रैदास जी, संत रज्जब और संत धन्ना। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा संत रैदास जी, आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, जिसे आपको करना है। 12वां प्रश्न है, निम्न में से किस संत को संत कबीर का समकालीन माना जाता है? संत कबीर का समकालीन किसे माना जाता है? ऑप्शन है आपके सामने संत लाल दास जी, संत जमल दास जी, संत रैदास जी, और आपके सामने डी ऑप्शन आपका आएगा कोई नहीं, डी ऑप्शन आपका कोई नहीं। इसमें जो आपका सही जवाब होगा 12वें क्वेश्चन का, जो आपका संत रैदास जी आपका इसमें सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, दादू खोल जिसे दादू जी की गुफा कहाँ स्थित है? दादू खोल जिसे हम दादू जी की गुफा कहते हैं कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है बांदकुई दौसा में, नारायणा जयपुर, आमेर जयपुर, नीमराना अलवर। चलिए इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ, इसका आंसर होगा आपका नारायणा जयपुर में है, बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा। 14वां प्रश्न, संत दादू के गुरु श्री वृद्धानंद जी जिसे बुड्ढन बाबा किस महान संत के शिष्य थे? संत दादू के गुरु श्री वृद्धानंद जी जिसे बुड्ढन बाबा किस महान संत के शिष्य थे? ऑप्शन है आपके सामने, इसका जो सही जवाब आपका होगा शंकराचार्य, सॉरी शंकराचार्य नहीं होगा, इसका सही जवाब आपको कबीर जी, ये आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आपका हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, चरणदास जी पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? चरणदास जी पंथ की जो प्रमुख पीठ है वह कहाँ पर स्थित है? तो यह पीठ आपकी दिल्ली के अंतर्गत स्थित है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा दिल्ली। 16वां प्रश्न है, 16वां, अनुभाष्य लिखकर शुद्धादेवत दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है आपके सामने वल्लभाचार्य, विट्ठल नाथ जी, आचार्य निबार, संत रामदास। इसका सही जवाब होगा वल्लभाचार्य आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा। 17वां प्रश्न है, चरणदासी संप्रदाय किस संप्रदाय के अधिक निकट है? जो चरणदासी संप्रदाय है वह किस संप्रदाय के अधिक निकट है? निम्बार्क संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय? तो यह निम्बार्क संप्रदाय के अधिक निकट है, तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। 18वां प्रश्न है, चरण संप्रदाय का बड़े रिया पहाड़ी वाला मंदिर व टोली के कुएं वाला मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये आपको बताना है, जयपुर, अजमेर, अलवर या दौसा में। तो इसका जो सही जवाब होगा आपका अलवर के अंतर्गत है, सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, समदड़ी बाड़मेर में किस लोक संत का प्रमुख पूजा स्थल है? जो समदड़ी बाड़मेर में है वह किस लोक संत का प्रमुख पूजा स्थल है? ऑप्शन 4 है जिसमें से आपको बताना है, तो इसमें जो सही आपका जवाब होगा संत पीपा जी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब आपका होगा, डी संत पीपा जी। 20वां प्रश्न है, संप्रदाय वह स्थल का कौन सा युग सम्मिलित है? संप्रदाय दे रखा है और स्थल का कौन सा युग सम्मिलित है? जो आपको दे रखे प्रणामी जयपुर, नाथ पन्ना, दादूपंत कोटा, राम बिश्नोई या नगला। इसमें प्रणामी जयपुर है ये आपका युग सम्मिलित करता है और बाकी के नहीं करते, ये ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, परिणामी जयपुर। 20वें क्वेश्चन का आंसर आपका ए होगा। 21वां है, सामाजिक व्यवसाय में व्याप्त जात पात व आडंबरों से मुक्त दिलवाने के लिए किस लोक संत ने सामाजिक सुधारों पर बल दिया? सामाजिक व्यवसाय में व्याप्त जात पात व आडंबरों से मुक्ति दिलवाने के लिए किस लोक देवता ने सामाजिक सुधारों पर बल दिया? उस लोक देवता का आपको नाम बताना है। तो इस 21वें क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा जिसमें संत दादू दयाल जी भी हैं, संत रामचरण जी भी हैं, संत जसनाथ जी भी हैं, ये सभी इसमें सामाजिक सुधारों में बल दिया था तीनों ने, तो उपयुक्त सभी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, संत लाल दास जी का जन्म व मृत्यु क्षेत्र आपको बताना है। संत लाल दास जी का जन्म व मृत्यु क्षेत्र आपको बताना है, तो इनका जन्म व मृत्यु आपकी अलवर भरतपुर में हुई थी, डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, 22वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा।
20वां प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष कैसे कहा जाता है? जो भक्ति आंदोलन है उसका आदि पुरुष कैसे कहा जाता है? तो इस 23वें प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा, शंकराचार्य को ही आदि पुरुष कहते हैं भक्ति आंदोलन का। बी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय का आरंभ किसने किया? जो रामानंदी संप्रदाय है उसका आरंभ किसने किया था राजस्थान के अंतर्गत, ये आपसे पूछा गया है। तो इसे शुरू करने आरंभ करने का जो श्रेय जाता है यह कृष्णदास जी जिसे प्यारी, कृष्णदास जी जो प्यारी इनको जाता है, ये ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, संत रामदास जी के गुरु कौन थे, वो आपसे पूछा है। संत रामदास जी के गुरु संत हरि रामदास जी हैं, ये ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, संत हरि रामदास जी आपका सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, श्रीनाथ जी की प्रतिमा किस मुगल शासक के काल में राजस्थान लाई गई थी? जो श्रीनाथ जी की प्रतिमा है वह किस मुगल शासक के काल में राजस्थान में लाई गई थी? औरंगजेब, बाबर, अकबर या जहांगीर के? तो जो श्रीनाथ जी की जो प्रतिमा है वह औरंगजेब मुगल शासक था उसके शासनकाल में राजस्थान में लाई गई थी। तो ये ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा 26वें प्रश्न का। 27वां प्रश्न है, निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? निरंजनी संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वह कहाँ पर स्थित है? नागौर, जयपुर, पाली, भीलवाड़ा में? तो उसकी जो प्रमुख पीठ है वह आपकी नागौर में स्थित है, ये ऑप्शन आपका इसमें सही होगा, ये ऑप्शन है जो आपका सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, संत मावजी ने अछूतों के उद्धार हेतु कौन सा आंदोलन चलाया था? उस आंदोलन का आपको नाम बताना है जो संत मावजी ने अछूतों के उद्धार हेतु आंदोलन चलाया गया था, लसोड़िया, गर्मिटिया, प्रभातीय, आरोगना? इसमें उन्होंने लसोड़िया जो आंदोलन उसे चलाया गया था, ये ऑप्शन आपका इसमें सही होगा, लसोड़िया। 29वां प्रश्न है, संत मावजी का संबंध निम्न में से किस मंदिर से है? संत मावजी का संबंध निम्न में से किस मंदिर से है, यह आपसे पूछा है। सांबला मंदिर, कुंजरपुर मंदिर, शेषपुर मंदिर या फिर उपयुक्त सभी? तो आपका इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी, इन तीनों से उनका संबंध है। संत मावजी का संबंध किससे है? सांबला, कुंजर, शेषपुर, इन सभी मंदिरों से है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 29 में का डी। 30वां प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है, वागड़ की मीरा कही जाने वाली गबरी बाई का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? वागड़ की मीरा कही जाने वाली गबरी बाई का जो जन्म है राजस्थान के किस जिले में हुआ था? डूंगरपुर, सिरोही, झालावाड़ या पाली में? उनका जन्म डूंगरपुर के अंतर्गत हुआ था, डूंगरपुर जिले में, ए ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। तो दोस्तों ये थे आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए संत एवं संप्रदाय से संबंधित जितने क्वेश्चन मैंने आपके कराए हैं, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो प्रीवियस एग्जाम में आपसे काफ़ी बार पूछे गए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो कि आपको, तो जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस सेशन को जितना उसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो आपके लेके आएंगे। यदि आपने इससे पहले बार जो प्रैक्टिस सेट हमने किए हैं यदि आपने नहीं देखा है तो उनका लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप जाकर देख लें, क्योंकि उन सभी वीडियो में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से कराए गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।